नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी घमासान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब उलझन और कंफ्यूजन दोनों ही और भी ज्यादा बढ़ गई है। कश्मीर घाटी का माहौल इस वक्त इतना गर्माया हुआ है कि नेताओं की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से गायब हो चुका है। घाटी के नेताओं में बेचैनी इस कदर है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने देर रात को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और घाटी के दूसरे नेताओं के साथ राज्यपाल से भी मिलने पहुंची। दरअसल मुफ्ती ने मिडनाइट मिशन के तौर पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और उनसे अफवाहों को दूर करने का अनुरोध किया, जिसकी वजह से घाटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। कश्मीर में नेताओं को आशंका है कि घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है। महबूबा मुफ्ती ने रात को ही सज्जाद लोन और राज्यपाल मलिक से मुलाकात करके इस सभी अफवाहों को दूर करने के लिए उनसे गुजारिश की है। जाहिर आतंकी खतरे को देखते हुए सरकार ने पहले ही अमरनाथ यात्रा को बीच में रोकने का फैसला लिया है और इसके बाद अमरनाथ यात्रियों को घाटी छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो वहीं सुरक्षा बलों की कश्मीर घाटी में मौजूदगी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सियासी पार्टियों की सांसें लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्यपाल मलिक ने नेताओं को शांत रहने के लिए और अफवाहों पर ध्यान ना देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि घाटी में सभी लोग शांति बनाए रखें, माहौल को शांत रखें। इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। नमस्कार।